अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं आपका भाई मोहम्मद वकास आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लेकर आता रहता हूं। जैसा कि आपने सबसे पहले थंबनेल देख लिया होगा कि आज की वीडियो जो है वो हमारे किस टॉपिक से होने वाली है। आज की वीडियो में हम सिखाएंगे कि हैशटैग कैसे लगाते हैं और इनके क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने YT स्टूडियो की नाम की एप्लीकेशन है या यूट्यूब स्टूडियो की एप्लीकेशन, इसको हम ओपन करेंगे। जैसे ही हमने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद हमने वो वीडियो ले लेनी है जिस पर हमने टैग लगाने हैं, हैशटैग लगाने हैं, सॉरी हैशटैग वाली हमने वीडियो ले लेनी है जिस पर हमने लगाने हैं। तो हम ये वीडियो अपनी ले लेते हैं, यहाँ पर हमने हैशटैग लगाने हैं। ये जो आपको ऊपर पेल्सन सी शेप बनी हुई नज़र आ रही है, ये देख सकते हैं आप, पेल्सन सी शेप बनी हुई, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया, हमारे सामने दूसरा पेज ओपन हो गया। यहाँ पर जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डिस्क्रिप्शन ओपन हो गया। यहाँ पर भी टैग हैशटैग लगाए जा सकते हैं, टाइटल में भी लगाए जा सकते हैं, ये यहाँ पर बेस्ट है। तो हम यहाँ पर लगाना सीखेंगे और यहाँ पर वीडियो ज़्यादा रैंक करती है, ज़्यादा व्यू हासिल करती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमने हैशटैग लगाने हैं, तो हैशटैग लगाने के लिए हम दूसरी लाइन पर आ जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पर अपने टॉपिक के हवाले से लिखेंगे, जो हमने वीडियो बनाई है उसके टॉपिक के हवाले से हैशटैग लगाएंगे। तो हमने चैनल के हवाले से बनाई है, तो हम लिख लेंगे हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल। तो हमने पहले लिख दिया हाउ टू क्रिएट। ये जो स्पेस है बीच में, आपने ये स्पेस नहीं देनी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो आपने स्पेस नहीं देनी बिल्कुल भी, ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, अब इनसे पहले हैश लगा लेंगे। ये जो हमने लिख लिया, इससे पहले हैश लगा लेंगे, सब वर्ड से पहले हम हैश लगा लेंगे। यहाँ पर हम हैश लगा रहे हैं, यहाँ पर हैश लगाया तो ये हैशटैग बन गया है। अब हमने दूसरा हैशटैग लगाना है, तो दूसरी चले जाएंगे लाइन पर। तो हम दूसरी लाइन पर आ गए, हम यहाँ पर पहले हैश लगा लेते हैं। हैश लगाने के बाद हम लिख लेंगे यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल हमने यहाँ पर लिख लेना है। ये भी हैशटैग की तरह बिल्कुल है, मतलब कि है टैग्स की तरह है। तो हमने बस इनसे पहले हैश आ जाता है, इसलिए ये हैशटैग बन जाते हैं। हम तीसरी लाइन पर आ जाते हैं और तीसरा हैशटैग लगाते हैं। तो हमने क्या करना है, 2021 चल रहा है तो हमने 2021 का टैग लगा लेना है। हैश लगाया, 2021 लिख दिया। अब हमने चले जाना है बैक एरो के निशान जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमने क्लिक किया। और यहाँ पर जो आपको सेव का बटन नज़र आ रहा है, हमने सेव पर क्लिक करके सेव कर लेना है। तो ये जो है हमारा हैशटैग सेव हो गया। अब हम बैक चले जाते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, यहाँ वहाँ पर देखते हैं कि हमारी वीडियो पर कैसे लगा है और कैसा नज़र आ रहा है। तो हम उस वीडियो को ओपन कर लेंगे। यूट्यूब हमारा ओपन हो रहा है, जैसे ही ओपन होगा तो ये हमारा YouTube ओपन हो गया। तो हमने उस वीडियो पे चले जाना है, उस जो इस वीडियो पर हमने ये हैशटैग लगाए थे। तो हम इस वीडियो पर आ जाते हैं, यहाँ पर हमने हैशटैग लगाए थे, ये वीडियो हम ओपन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं टाइटल के ऊपर जो हमने हैशटैग लगाए थे वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, सॉरी शो हो रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो इनका फ़ायदा ये है कि हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा व्यू हासिल करती है। जो सर्च करता है हैश लगा कर भी, तो उसके सामने भी हमारी वीडियो चली जाएगी और हमारी वीडियो ज़्यादा व्यू हासिल करेगी। और दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारी वीडियो जो है, हमारी वीडियो के ऊपर जो हैशटैग लगा हुआ है, अगर कोई आदमी उस पर क्लिक करता है तो उससे रिलेटेड जिसने भी हैशटैग ये यूज़ किया होगा उसकी सारी वीडियो यहाँ पर आ जाएंगी। मतलब कि जिस वीडियो में ये हैशटैग यूज़ हुआ है वो वीडियो हमारे सामने आ गई है, आप देख सकते हैं। जिस वीडियो में भी ये हैशटैग यूज़ हुआ था वो सारी वीडियो हमारे सामने आ गए हैं और हमारी वीडियो भी इन वीडियो में शामिल हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच रहे हैं। इजाज़त दें अपने भाई को मोहम्मद वकास को, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।